1 अगस्त, अल्फोंस लिगोरी का त्यौहार। पहला पाठ, एरेमियस का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 1 से 6। प्रभु की वाणी यह कहते हुए एरेमियस को सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहां मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था, वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता था तो वह उसकी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता था। तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी, प्रभु यह कहता है, हे इसराइलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? हे इसराइलियों, कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 47 से 53 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं, तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग यह सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु यह दृष्टांत के समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। ईश्वर ने हम सबको एक विशेष मकसद से इस दुनिया में भेजा है। वह हमें कुम्हार की मिट्टी की तरह विभिन्न सुंदर बर्तन के रूप में गढ़ता है। वह हमें इस दुनिया में जीवन जीने के लिए स्वतंत्र रूप से विचरण करने देता है। हम प्रभु द्वारा दी गई स्वतंत्रता में उसकी राहों पर चलकर स्वर्ग का अनुभव पाते हैं। जीवन एक संघर्ष है, सुख दुख का दरिया है। जीवन की नैया में रिश्ते नाते, सुख दुख, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, काम काज सभी से होकर गुजरना पड़ता है। प्रभु की राहों पर चलना और दुनिया की चुनौतियों का सामना करना ही जीवन को प्रभुमय बनाता है। सत्य, न्याय, प्रेम और शांति का जीवन प्रभु की उपस्थिति से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए हम प्रभु के सलीबी मार्ग को चुने और मुक्ति पाएं।